नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कोरोना काल में बिल्लियों की हुई गोद भराई, डॉक्टर की निगरानी में अदा की गई रस्म, बिल्ली गर्भवती है, बिल्ली का पति खुश नजर आया। एक बेहद ही दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां एक परिवार ने अपने घर की दो बिल्लियों की गोद भराई की रस्म को पूरा किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रविवार को एक परिवार ने अपनी गर्भवती बिल्लियों के लिए गोद भराई की रस्म अदा की। बिल्लियों की मालिक ने कहा, हमने अपनी गर्भवती बिल्लियों पर आशीर्वाद बरसाने के लिए ये रस्म की है। हम उन्हें स्पेशल कैट फूड नाश्ता दे रहे हैं। लोग मनुष्यों के लिए गोद भराई करते हैं, इसलिए हमने अपनी बिल्लियों के लिए भी ऐसा ही किया, क्योंकि वो भी हमारे परिवार की सदस्य हैं। हम क्लिनिक आए और डॉक्टरों के साथ गोद भराई की रस्म को पूरा किया। क्या है गोद भराई या बेबी शावर की रस्म? बता दें कि गोद भराई गर्भावस्था के दौरान निभाई जाने वाली एक रस्म है। इस रस्म को अंग्रेजी में बेबी शावर भी कहते हैं। रस्म के तहत पेट में पल रहे शिशु का परिवार में स्वागत करने के साथ साथ गर्भवती माँ को मातृत्व की ढेरों खुशियों का आशीर्वाद दिया जाता है। लोग इस रस्म को काफी धूमधाम से मनाते हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की बिल्लियों की गोद भराई की रस्म काफी वायरल हो रही है। इस गोद भराई में भाग लेने वाले एक पशु चिकित्सक ने कहा, गर्भवती बिल्लियों के लिए इस तरह का समारोह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है और ये गर्भवती बिल्लियों को खुशी देगा। कुतिया की भी हो चुकी है गोद भराई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी ने अपने प्यारे पालतू जानवर पर इतना प्यार लुटाया है। पिछले साल अक्टूबर में तमिलनाडु में एक परिवार ने बड़े ही धूमधाम और रीति रिवाजों के साथ एक गर्भवती कुतिया की गोद भराई की थी। इस दिलचस्प गोद भराई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।